ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी पहुंचे थे दिल्ली किसानों से मुलाकात करते हुए, लेकिन युवा किसान विरोध करते हुए, जी हां युवा किसान विरोध करते हुए और हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी वापस जाते हुए, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी पहुंचे थे दिल्ली किसानों से मुलाकात करने। जी हां आप ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सोनीपत से SP जशनदीप सिंह रंधावा और कई सीनियर अधिकारी, उनसे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे और किस तरह से युवा किसानों के साथ उनकी झड़प होती हुई, किस तरह से आप देख सकते हैं युवा किसानों के साथ, किस तरह से आप देख सकते हैं युवा किसान और पुलिस अधिकारी उनको रोकते हुए, किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से एक युवा किसान SP सोनीपत जशनदीप सिंह रंधावा से गले लगकर भी बात रखते हुए, अपनी बात रखते हुए SP जशनदीप सिंह रंधावा जो सोनीपत के SP हैं, उनसे एक युवा किसान, युवा सिख किसान अपनी बात रखते हुए, गले मिलकर अपनी बात करते हुए हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी सोनीपत और आसपास के जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा किसान हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से कुछ बात कहना चाहते हैं, किस तरह से हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ बात कहना चाह रहे हैं, कुछ युवा किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। माहौल तनावपूर्ण होता हुआ, ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, माहौल तनावपूर्ण होता हुआ और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। हरियाणा पुलिस के अधिकारी मिलने पहुंचे थे किसानों से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, लेकिन वापिस लौटते हुए ये तस्वीरें समय आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से युवा किसान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को रोकते हुए और उनका विरोध करते हुए, ये लाइव तस्वीरें दिल्ली बॉर्डर की आप देख सकते हैं जहां पर सोनीपत पुलिस के सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचे थे मुलाकात करने, लेकिन माहौल तनावपूर्ण होता हुआ। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें किस तरह से, हमारी आप सभी से अपील रहेगी जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने और किसानों से मुलाकात करने हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी सोनीपत से और सोनीपत रेंज से पहुंचे थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, DC सोनीपत, SP सोनीपत और भी सीनियर अधिकारी वापिस अब सोनीपत की तरफ जाते हुए, लेकिन विरोध हुआ जिसके बाद वे वापिस ही बैरंग लौटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को शेयर जरूर करें। पीछे पीछे किसान और आगे आगे पुलिस के सीनियर अधिकारी, हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विरोध का सामना करना पड़ा, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, पीछे पीछे किसान एकता के नारे लगते हुए और आगे आगे सोनीपत पुलिस के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी आगे आगे जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सब
ये हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा पुलिस के सोनीपत के SP व DC किसानों से मुलाकात करने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस अधिकारी यहां से वापसी सोनीपत की तरफ जाते हुए। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे कि किस तरह से सोनीपत के सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन युवा किसानों ने क्यों विरोध किया इस बारे में हालांकि अभी कुछ समझ नहीं आया। और आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से सोनीपत के DC व सोनीपत के जो SP हैं वो यहां पर मुलाकात करने पहुंचे थे। ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें देखिए आपने कि किस तरह से, तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सोनीपत के SP, सोनीपत के DC व कई अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे किसानों से मुलाकात करने, हरियाणा के किसानों से मुलाकात करने। शायद हरियाणा सरकार की तरफ से उनको भेजा गया होगा कि कोई बातचीत की जाए। अभी बातचीत हुई ही नहीं थी कि तभी किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ युवा किसान उनसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पाई और उनको वापस लौटा दिया गया। वे वापस चले गए, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से भी बातचीत नहीं कर पाए। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे दिल्ली से, दिल्ली बॉर्डर से, जहाँ पर सोनीपत पुलिस के अधिकारियों का काफ़ी विरोध हुआ। विरोध किस बात पर था ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें एकजुट है, काम करना हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब जब कोई DC है उसका मान सम्मान करना मैं जिम्मेवारी होगी नहीं है। हाँ, तो बढ़ती उसका मान सम्मान हम करेंगे तो मान करेगा, तभी हमारा कार्य होगा। कहते ये चीजें है ना, हम मान सम्मान करेंगे तो सेंटर मिलेगी, अगर कोई गलत करेगा तो गलत का क्या जवाब मिलेगा, हम सब पीछे। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी कि किस तरह से सोनीपत पुलिस के अधिकारियों को, DC को, SP को वापस लौटना पड़ा। आखिरकार इसकी वजह क्या थी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं विरोध हुआ जिसके बाद वे वापस चले गए। ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे दिल्ली बॉर्डर की, जहां पर किस तरह से सोनीपत के SP, सोनीपत के DC और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंचे थे किसानों से मुलाकात करने। सोनीपत के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा सरकार के आदेशों से कहीं ना कहीं आप पहुंचे थे बातचीत करने के लिए कि इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसकी बातचीत की जाए। लेकिन सोनीपत के पुलिस अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का किसानों ने क्यों विरोध किया कि उनको वापस जाना पड़ा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।